हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा हाथ थोड़ा सा हिल रहा है, वीडियो बनाते वक्त शेकिंग हो रही है क्योंकि गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं। तो इसी के लिए हमने एक गिम्बल मंगवाया है और जिसको जाके फैक्ट्री में मैं अनबॉक्स करूँगा, क्योंकि सुबह सुबह आया था अमेज़ॉन से तो सुबह घर पर टाइम मिला नहीं। तो अभी फैक्ट्री में जाके इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि उस पैकेट में क्या क्या निकलता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ गिम्बल का। तो मुझे खुद अभी यूज़ करना पहले सीखना पड़ेगा और फिर मैं बाद में उसके रिव्यूज़ डालूंगा कि कैसे उसको यूज़ किया जाता है। ये है भाई अपना पैकेट, इसको जाके अनबॉक्स करेंगे फैक्ट्री पहुँचने के बाद। एक इन्फॉर्मेशन और है भाई, जो भी भाई आगरा रोड से, मतलब जयपुर से आगरा रोड पे चढ़ता है तो टनल क्रॉस करते ही नॉर्मली परसेप्शन ये होता है कि अब हाईवे शुरू हो गया, लेकिन ये हाईवे में नहीं आता, सिटी रोड में आता है। और यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो 60 की है और जनरली यहाँ पे स्पीड वाले खड़े रहते हैं। आज बाई चांस नहीं खड़े हुए क्योंकि मेरा तो ये रोज का रूट है, इसलिए मुझे आइडिया है। बाकी जो लोग फर्स्ट टाइम निकल रहे होते हैं या जिनको आइडिया नहीं होते, वो हाईवे समझ के यहाँ पे 90 की 80 की स्पीड अज्यूम करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीड जो है वो 60 की ही है क्योंकि ये सिटी रोड्स में काउंट होता है। ये देखिए बोर्ड भी आ गया है, ये बोर्ड आ गया है जिसमें लिमिट्स लिखी हुई हैं 40 की मोटरसाइकिल की, 60 की कार की और 30 की ट्रक की। तो मैं कभी कभी जब अपनी वीडियोस देखता हूँ और जो मैंने ड्राइव करते वक्त चूट की होती हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से आई कॉन्टेक्ट नहीं बन पा रहा है। तो उसका एक मेजर रीज़न ये है कि सड़क पर ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सड़क पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ भी एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो इसीलिए वो आई कॉन्टेक्ट नहीं बन पाता है और कैमरे की तरफ नहीं देखा जाता, सामने सड़क पर ध्यान रहता है। वेदर फोरकास्ट में तो 4-5 दिन की बारिश बताई थी, बहुत ही बढ़िया शानदार बारिश आएगी, लेकिन अभी तो आप देखो कि भाई सूरज निकला हुआ है और ज़बरदस्त धूप हो रही है, ज़बरदस्त धूप हो रही है और अच्छी गर्मी हो रही है। अभी संडे को जब मैं बाइक से आया था तो उस दिन रिंकू जी की फैक्ट्री के यहाँ से निकला तो बुरा पताशे की खुशबू आई भाई, अगरबत्ती की फैक्ट्री के यहाँ से निकला तो अगरबत्ती की खुशबू आई, जब नाला क्रॉस किया तो नाले की गंदी बदबू आई। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम टू व्हीलर में जब राइड करते हैं या ड्राइव करते हैं उसी टाइम फील कर पाते हैं, क्योंकि गाड़ी में तो अपन एक कंफर्ट जोन में, अपन आराम से एसी चला के बैठे हुए हैं, बाहर का कुछ भी पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या मतलब माहौल हो रखा है, ना गर्मी का पता चलता ना सर्दी का पता चलता, और बाहर का कोई भी खुशबू या कुछ भी फील नहीं होता। और हम हर चीज़ को जो नोटिस करते हैं ना प्रॉपर, वो टू व्हील पे ही करते हैं, मतलब जब हम बाइक पे चल रहे होते हैं उसी टाइम उसको नोटिस करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर वो जो एक मैसेज चलता है ना भाई कि 10 आदमियों को फॉरवर्ड करो तो अच्छी खबर आएगी, उस वाले मैसेज के हिसाब से चलाना पड़ेगा, तब आप लोग शायद करेंगे। खैर ये तो मजाक की बात है, अगर आप लोग सीरियसली आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गिम्बल की अनबॉक्सिंग के लिए अपने को वीडियो बनानी है और गिम्बल को यूज़ करने के लिए मोबाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए अपन आगे की वीडियो शूट करेंगे अपने GoPro से। सो गाइज, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, और मेरा गैजेट्स का जो शौक है वो वापस से थोड़ा थोड़ा जागने लगा है। तो ये अपन ने अमेज़ॉन से मंगाया है, कवरिंग हमने पहले ही खोल ली थी, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। फैक्ट्री में खैर चाकू ही मिला है ये, तो इसी से ऊपर के कवर को हटाते हैं। और एक चीज़ और, आप जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसकी सील हमेशा चेक कर लें। अगर उसकी पैकिंग खुली हुई है पहले से तो उस पैकेट को आप एक्सेप्ट ना करें, और जो सील्ड पैक पैकेट है उसी के ऊपर, मतलब उसको जो शॉपकीपर है या जहाँ से भी आपने लिया है उनको बोलें कि सील पैक वाला ही पैकेट दें। तो अब हमने इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर दी है। ये आन्या इंटरप्राइजेस चांदनी चौक दिल्ली में इंपोर्ट किया है और इसका जो MRP है 9,990 रुपया, ये MRP लगी हुई है, और 8,950 रुपये का ये अपने को अमेज़ॉन से पड़ा है। पैकेट अपन ने खोल लिया है, पैकेट में जो निकला है ये अपना गिम्बल, ये मोबाइल की क्लैम्प और ये नीचे का ट्राईपॉड, ये एक केबल है,
ये शायद एक स्पेसर होता है, कुछ मोबाइल में एग्जैक्ट जो सेटिंग नहीं बैठती है तो उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसर होता है शायद। अभी देखते हैं अपने मोबाइल में ये एग्जैक्ट बैठेगी कि नहीं। और इसके अंदर ये जो ऊपर वाला है, इसके अंदर बैग है, ये बैग है और ये रिस्ट स्ट्रैप है और इसका मैनुअल होगा। तो ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में निकलती हैं। अभी फिलहाल इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, चार्ज करने के बाद इसको एक बार मोबाइल पे लगा के यूज़ करेंगे और फिर देखते हैं इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो मैंने भाई थोड़ा सा इसको चार्ज कर लिया है और मोबाइल को इसमें कनेक्ट कर लिया है अपने लॉगिन से। इसको फर्स्ट टाइम जब जो इसका ऐप है उस ऐप में इसको एक्टिवेट करना होता है ताकि वो सर्वर पे और उनके यहाँ पे इंफॉर्मेशन चली जाए और अपन वारंटी में कवर हो सके। तो अभी वही सब प्रोसेस चल रहा है, एक बार ये प्रोसेस पूरा हो जाता है फिर आगे की कार्यवाही देखते हैं। तो भाई गिम्बल हो गया है अपना फुल्ली चार्ज्ड, चार्जिंग पर लगा के मैं चला गया था, बंसल जी के साथ जाना था कुछ काम से बसी, तो वहाँ से 2-3 घंटे में आए तब तक ये फुल चार्ज हो गया। क्लैंप जो है इसको फ़ोन के सेंटर में माउंट करना है, मैग्नेटिक क्लैंप है ये, और इसको फ़ोन के सेंटर में माउंट करना है। और ये यहाँ पे इसका ऊपर का जो खांचा है उसको मिला के इसमें लगा दिया। लगाने के बाद हमने इसको ये यहाँ से ऊपर उठा दिया और ऑन करने के लिए इसमें एम का बटन है, उस एम के बटन को हमने एक बार दबाया तो ये गिम्बल ऑन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका वर्टिकल मोड में रहता है और अगर आपको इसको चेंज करना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तो इसको एम को 2 बार अगर हम प्रेस करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। और इसके लिए जो ऐप है, ऐप मैंने पहले ही डाउनलोड कर ली थी, उस ऐप के थ्रू ये सारा फंक्शन करता है। मतलब फोटो मोड में, वीडियो मोड में, जिस भी मोड में आपको जो भी काम करना है उसके लिए DJI की ऐप है, मीमो ऐप, वो डाउनलोड करके उसके साथ ये कन्फिगर किया जाता है। तो थोड़ी सी फंक्शनिंग तो मैंने इसकी सीख ली है और बाकी धीरे धीरे और सीखना पड़ेगा इसको। अभी जाते हुए गाड़ी में वीडियो बनाएंगे इससे और फिर आप लोग कंपेयर करके बताना कि सुबह जब आते वक्त का जो वीडियो था उसकी स्टेबलाइजेशन में और जो अभी जाते वक्त जो वीडियो बनेगा उसकी स्टेबलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, कुछ फील होता है कि नहीं होता है। हालांकि वो तो जब मैं एडिट करूंगा तो मुझे भी फील आएगा कि कुछ फर्क है या नहीं है। बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपको वो डिफरेंस फील हुआ या नहीं हुआ। तो अभी फिलहाल जब यहाँ से निकलूंगा घर के लिए तब वीडियो बनाएंगे इससे और उस वीडियो से फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, सुबह की क्लिप्स को और शाम की क्लिप्स को। बारिश को याद कर रहे थे भाई, बारिश भी आ गई, धूप भी निकली हुई है और बारिश भी आ गई। एग्जॉस्ट तो चेक कर रही भाई, इसकी स्टेबलाइजेशन रात को लेट हो गया आने में, अब इसकी चेक होगी संडे को। आज के व्लॉग को भाई यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको संडे वाले व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। गुड नाइट।